शम्मी कपूर ने की थी दूसरी शादी, पत्नी नीला देवी के लिए ताउम्र रखी थी ये शर्तें। नमस्कार, मैं गुरलीन और आप देख रहे हैं न्यूज 28। शम्मी कपूर का जन्म बॉलीवुड के कपूर परिवार में 21 अक्टूबर 1931 में हुआ। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ना ही फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकार थे और साथ ही एक शानदार फिल्मकार भी थे। शम्मी कपूर हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में से एक हैं जो अपनी अलग और खास परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने काफी हिट फिल्में भी दी। फिल्मों के अलावा शम्मी कपूर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में थे। उनका कई अभिनेत्रियों के साथ नाम भी जुड़ा। अभिनेत्री मुमताज जब 18 साल की थी तभी शम्मी कपूर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। हालांकि मुमताज भी शम्मी से प्यार करती थी और शम्मी चाहते थे कि मुमताज अपनी फिल्मी करियर छोड़कर उनसे शादी कर ले, लेकिन मुमताज ने मना कर दिया। उस समय कपूर खानदान की बहुएं फिल्मों में काम नहीं कर सकती थी। इसके बाद शम्मी कपूर ने अपनी उम्र से बड़ी अभिनेत्री गीता बाली से घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, लेकिन 1965 में चेचक की वजह से गीता की मृत्यु हो गई। इस बात से उन्हें गहरा झटका लगा। शमी के बच्चे छोटे होने के कारण उन पर दूसरी शादी का दबाव बनाया गया। गीता की मौत के 4 साल बाद उन्होंने नीला देवी के साथ शादी कर ली, लेकिन शमी ने उनके सामने यह शर्त रखी कि वह मां नहीं बनेगी, उन्हें गीता के ही बच्चों को पालना होगा। नीला ने इस शर्त को स्वीकार किया और ताउम्र वह मां नहीं बनी और उन्होंने गीता के बच्चों को ही अपना माना। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज 28 के साथ। नमस्कार।